तो नहाने का पूरा प्रिपरेशन हम लोग ले लिए हैं और चलो हमारे रूम से बस वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, विद इन 2 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे आप लोगों से बात करते करते। तो आप लोगों को बैक कैमरे से एक बार दिखाती हूँ। जल्दी चलो दाड़ा ना आगे स्नान। तो खाने का सामान भर भर के पड़ा हुआ है, मतलब दोनों साइड एकदम ठसाठस दुकान है। उफ। चलो अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट कुछ मिनट्स की दूरी। যখন আমরা এসেছিলাম একবার তখন এই মহিলাটাই ছিল এই দোকানটাই, এই দোকানটা তখনও ছিল আর এখনো আছে। বেটে কো লেনা হ্যায় থোড়া সা 100 টাকা বাকেট 100 কম করতে হবে না করো আমার কি ঘর গেছে লোক 80 টাকা লিব এক বাকেট লে রে মেরা বেটা কি রেড वाला লো বেটা এ এই লালটা দেখি না লালটা না সবুজটা সবুজটা না কোনটা ভালো লাগবে গো বেটা রেড নিবি না বেটা এটা লিস এটা রং ফেড হয়ে গেছে এটা নিবি এটা এটা ভালো লাগে এটা হ্যাঁ এটা না तभी हम लोग टोपी खरीदने के लिए आए हैं। मेरी बहन मेरे को ये वाला पहना दी है, तो क्रीम कलर है आई थिंक, क्रीम है, मैं क्रीम लूंगी नहीं। तभी हम लोग इस टोपी वाले दुकान में आए हैं, यहाँ पर टोपी स्टैंड लगा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या आंसर लेते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर का 1:30 और 1:30 बजे हम लोग अभी स्टार्ट हो रहा है अभी हम लोग का सी बीच में जाने का, लेकिन मैं तो नहीं उतरूंगी, शायद मेरा बेटा उतरेगा, पापा उतरेंगे उसके। मेला लगा हुआ है पर समझ में नहीं आ रहा है कोई, अगर गुम हो जाएगा तो कैसे ढूंढा जाएगा, चारों तरफ दुकान दुकान दुकान। चलो बेटा राइड करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब आते ही एंजॉयमेंट स्टार्ट उसका। और अभी मेरी बहन है, अभी बहन को मिलने वाला था घोड़े का सवारी, इतना जोर से इसे अभी धक्का मारता कि पूछो मत। मैं भी यही हूँ, अभी चश्मा खोल दी क्योंकि सन है नहीं, तो बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है, कुछ बोल के समझा नहीं सकते। आप लोग मेरे एंजॉयमेंट के साथ रहो, आप लोग को भी आई होप कि अच्छा ही लगेगा। ये कैप ली हूँ तो कैसा लग रहा है, कैप पहन नहीं रही हूँ क्योंकि धूप नहीं है। आ रहा है दोस्तों, कार ड्राइव करते हुए मेरा ड्राइवर आ रहा है, ये रहा ड्राइवर आ गया, कार पार्क करेगा इधर, वाह घोड़ा। तू ही चल अच्छे से बेटू, तू ही चल अच्छे से, वाह अन्ना कत राउंड। बहुत नजदीक आ गए हैं दोस्तों हम लोग अभी समुद्र के, और बेटा जैसे कि अभी ड्राइव किया कार, कार ड्राइव करने के बाद हम लोग नहाने के लिए आगे निकल रहे हैं, जैसे जैसे नीचे उतर रहे समुद्र के, मेरा सच में बताऊं तो रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, इतना ठंडा लग रहा है अभी, मतलब सोच नहीं रही हूँ कि मैं नहाऊं, मैं नहाऊंगी नहीं एक्चुअली में, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, मैं नहीं नहाऊंगी। और मेरे हस्बैंड एकदम फिल्मी अंदाज में कैप के साथ सनग्लास के साथ, और मेरा बेटा बकेट खरीदा है दोस्तों एक, उस बकेट में सेप वगैरह बनाए जाते हैं, और लेकिन ये रास्ता नहीं चले तो समुद्र थे मोबाइल नहीं था, समुद्र ढेव नहीं चले अरे वो बैठ भी गया, जा भी ना नहीं चले अरे जा भी ना। तो दोस्तों फिलहाल मैं तो पानी में नहीं गई हूँ, बट मेरा बेटा जो है जस्ट क्या बताऊँ, मतलब इतना एंजॉय कर रहा है, और मेरी बहनें यहाँ फोटो शूट करने में बिजी है, मैं नहा नहीं रही हूँ, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अभी रूम में जाके नहाऊंगी, गीला होने का मन नहीं कर रहा, बहुत सा ठंडा है। आप लोगों को मैं बैक व्यू दे रही हूँ, लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, और
पता नहीं है, मतलब ये टाइड जो है आती है और जाती है, अपना लोगों को आनंद देते हुए जाती है, और आते वक्त भी आनंद देती है, जाते वक्त भी आनंद दे ही रही है। देख सकते हो यहाँ कोई एज का वाला कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी एज के बच्चे बूढ़े सब आके एंजॉय कर सकते। देख सकते एक बच्चा है यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, एक बूढ़ी है वहाँ बैठी बॉल को लेकर वो एंजॉय कर रही है। तो हर एज के आदमी यहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और मैं बस पाँव को चला ही रही हूँ, नीचे नहीं उतर रही हूँ, एक बूंद में पानी नहीं ले रही हूँ पाँव में। ये स्टार्ट पीस है, गिरा पड़ा है बहुत सारा, बहुत सारा गिरा है, ये जिंदा है, देख सकते हो पाँव हिल रहा है इसका। अरे अरे स्टार पीस गुलो कुत्ते गुलो जाए, हाथी बिना गुगो हाथी बिना। चल अगर रूम चल रूम चल ठंडा लगे। तो दोस्तों इन लोगों का एंजॉयमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मेरा बेटा उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब मैं फंस गई हूँ, मैं ना बैठ पा रही हूँ, ना खड़े हो पा रही हूँ, ना एंजॉय कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं होटल में जाऊँ और थोड़ा सा रेस्ट लूँ, बट ये लोग मेरे को वो भी करने नहीं दिए, वहाँ रहने ही नहीं दिए। फिलहाल लोगों को देख के तो थोड़ा एंजॉय कर ही रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे कपल्स सबको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों पानी वापस आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कितना अच्छा सीढ़ी सीढ़ी बन गया है देखो। तो फिलहाल मैं तो नहाई नहीं, जो लोग नहाए वो लोग आ गए, मैं भी आई उनके साथ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही बहन हस्बैंड बेटा सबको भी वहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा चुका समुद्र। एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ जो लिखा है, वो मैं आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, जो बंगाली उनको तो पता ही चल जाएगा। एक शॉर्ट लिखा है समुद्र स्नानेर पड़े कले पा धुए घोड़े घोड़े प्रवेश करी बहन, मतलब समुद्र के नहाने के बाद जो भी आएगा वो पाँव धो के अंदर जाएगा। ये लोग पाँव धो रहे हैं अभी, मैं भी धो लूंगी। और ये है हमारा होटल, फ्रंट व्यू है ये होटल का, मुल लोगों का सागोरी का, ये ना। हेलो फ्रेंड्स, आगे आप लोग के बीच में, और अभी बज रहा है शाम का 3:50। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि समुद्र में सब नहाने के लिए गए थे, और नहा के हम लोग वापस आ भी गए थे, पांव हाथ धो रहे थे। धोने के बाद हम लोग रूम में आके सीधे बेटे को नहलाया, हस्बैंड नहाए, उसके बाद मैं नहाई, और वो रहा बाल्टी कपड़े का, अभी हस्बैंड ऊपर देने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल मैं भी शैम्पू कर ली हूँ, लेकिन मैं नहा ही नहीं हूँ फिर भी शैम्पू की, मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कब शैम्पू करूँ कब शैम्पू करूँ, था शैम्पू करके थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है दोस्तों। तो बस बाल सूखने का देर हुआ, थोड़ा सा सूख जाएगा, और शाम को हम लोग कहीं फिर घूमने के लिए निकलेंगे, 5 बजे करीबन 5 बजे निकलेंगे, 5-5:30 बजे निकलेंगे, थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे दुकान वगैरह में। और बेटा भी आए रहे शायद, वो कुछ खाने के लिए गया था, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो बोल रहा था माँ खाबो खाबो बाहर
बहुत तेज बिजली कड़क रहा है दोस्तों, बहुत तेज। तो देखते हैं कौन है उनके बाहर के। नहाए कहाँ जाना है अभी? तैयार हो दोबारा कौन जाके चेंज करता है, एक ही बार। अच्छा ठीक 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 ठीक। तो ये तैयार हो गई अपने इस ड्रेस के साथ, तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो तुम अभी रूम में रेस्ट लो, तो मैं भी थोड़ा सा रूम में रेस्ट लूंगी। अभी गीले बाल मिनट सूखेगा उससे। तो दोस्तों मिलूंगा आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, आ गई मैं आप लोगों के बीच में और अभी हो रहा है घड़ी में 7:42। तो दोस्तों मैं जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं नहाने के बाद रूम में आए, रूम में थोड़ा सा बेटे को हस्बैंड खिलाने के लिए ले गए थे। उसके बाद हम लोग वो आने के बाद हम लोग थोड़ा सा गहरी नींद लिए थे, और गहरी नींद लेने के बाद जस्ट 6 बजे उठे हम लोग उठे, और उठने के बाद थोड़ा सा मन किया हेयर को स्ट्रेट करने का, तो हेयर स्ट्रेट कर ली हूँ। तो आप लोगों को हेयर स्ट्रेट मेरे बालों में कैसा लग रहा है थोड़ा कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये मेरी बहन कर दी है। दोस्तों मेरा ये गेटअप आप लोगों को कैसा लग रहा है? जस्ट एक ईयर रिंग डाली हूँ जो कि फुआ के घर से लेके आई थी, इसका सेट तो गले का नहीं डाली हूँ, और एक गाउन डाली हूँ और एक बिंदी लगाई हूँ जस्ट, और लिपस्टिक और कुछ भी नहीं की हूँ बस। हाँ फेस में फेस पाउडर यूज की हूँ। तो तैयार हो गए हैं हम लोग अभी, और होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, पता है बारिश हो रही है बाहर, लोग बोल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। तो दोस्तों मिलूंगी आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन बारिश कमने का नाम नहीं ले रहा है, और थोड़ा सा सिंदूर जो है स्मच हो गया। तो ये रहा बेटा, ये रहे हस्बैंड। तो बेटा एकदम तैयार हो चुका है न्यू ड्रेस के साथ, मम्मी भी न्यू ड्रेस पहनी है एकदम, हम दोनों एकदम न्यू ड्रेस पहन के एकदम न्यू पिच वाले हो गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल बारिश हो रही है बाहर, लेकिन बारिश अगर कम जाती है तो हम लोग बाहर जरूर निकलेंगे, नहीं तो हम लोग खा पी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने से मैं ना ही आप लोग के साथ कुछ एंजॉय कर पा रही हूँ, दिखा पा रही हूँ, ना ही खुद मैं घूम पा रही हूँ। अगर मैं घूमती तो जरूर आप लोग के साथ शेयर करती, बट नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि बारिश हो रहा है और बच्चे के साथ ले जाना बाहर में रिस्क है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा आई थिंक, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो मिलूंगी आप लोगों को बाहर, अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों मैं एक चश्मा पहन के सोची आप लोगों के साथ फोटो शेयर करूं, तो फोटो की जगह वीडियो हो रहा था, तो चलो वो भी आप लोग देख लो कि ज्योति दीदी कैसी नाटक करती है। तो दोस्तों अभी मैं अपने बेलकुनी में हूँ, मैं भी बेलकुनी में हूँ, और ये है लॉबी, लॉबी को आप लोग देख सकते हो अच्छे से, आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मेरे बाहर का मेरा हाँ फ्रंट साइड कैसा है बेलकुनी से, चलो देख लो। तो दोस्तों जहाँ तक आग जा रहा है वहाँ तक सिर्फ होटल, और जहाँ तक आग जा रहा है वहाँ तक सिर्फ पानी। तो सच में पानी तो समुद्र में देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन अभी मेरे को रास्ते में भी देखने को मिल रहा है, बारिश हो ही रही है। मतलब क्या बताऊँ, पूरा रोड आप लोग को लग ही रहा हो कि गीला गीला सा है, गाड़ी के पास जहाँ जहाँ पानी जमा भी है देख सकते हो, और ये रूम से बाहर का व्यू है मेरा। तो बहुत सारे होटल्स हैं जिसमें से हम लोगों ने पूछा था, उसमें से कुछ खाली थे कुछ नहीं थे, कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं था कुछ उनके लिए अच्छा नहीं था, तो हम लोग को रूम फाइनली इसी में मिला है, सागोरी होटल में। और यहाँ पे देख सकते लिखा है गोपाल भाड़े रान्ना घर। तो गोपाल भाड़ एक्चुअली बंगाली में कोई गोपाल भाड़ के लिखे थे गोपाल भाड़ जो है एक व्यक्ति थे जो कि कॉमेडी टाइप का उनका स्टोरी रहता था, हमेशा खाना पीना बुद्धिमान बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, तो उनके हिसाब से ये इसको रखा गया है कि गोपाल भाड़ कभी भी पेट को खाली नहीं रखता था, इसलिए कोई भी इंसान खाली पेट ना रहे बोल के ऐसा थीम करके एक रेस्टोरेंट खोला गया है, रुचि सम्मत बंगाली इंडियन चाइनीज एंड तंदूर खबर परिवेशक। तो बहुत अच्छा है, मेरे रूम से जस्ट बाहर नीचे में ही है, और लोग फिर भी जा रहे हैं घूमने के लिए, हम लोग भी जाएंगे अभी, बेटे को ये दे दी हूँ कैब दे दी हूँ, तो हम लोग भीगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम लोग जाएंगे जरूर, है ना, जाएंगे ना, उन लोग को निकलने के लिए बोल दो। चलो देख के आते हैं वो लोग क्या कर रही है अभी, आप उसको देखो, हमारे रूम में ताला लगा दो, चलो 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 चलो। ये रही मेरी बेटी, तैयार हो गई, और ये रही मेरी बहन, तैयार हो गई ना, देखो
सब कोई हम लोग तैयार हो गए हैं। फैन तो बंद ही हो जाएगा और कुछ हटा, मेरा पर्स कहाँ है, रख के आई, लेके जाऊंगी ना पर्स, जैसे उसमें पैसा है। पूछे जीजा जी से पूछो। दोस्तों अभी हम निकल पड़ते हैं, मैं अपना पर्स ले लेती हूँ। ताला लगी थी, पर्स नहीं नहीं जो जीजा जी आपका वॉच कहाँ है, पर्स कौन रखा, मैं नहीं रखी हूँ। तो चलो मैं पर्स ले ली हूँ, बेटा हस्बैंड ताला लगा देंगे और पानी का बोतल ले लेंगे क्या बेटे के लिए। बेटे का स्लीपर चेंज करना है, बाहर जाएंगे हम घूमने, गाड़ी खरीद लेंगे आपको, मैं गाड़ी खरीद दूंगी आज। तो बेटे को मैं गाड़ी दूंगी, गिफ्ट करूंगी, मेरे पास भी पैसे हैं, मेरे हस्बैंड भी सोच रहे हैं कि नहीं दूंगी, आज ही दूंगी, दूंगी मैं आज दूंगी, दूंगी मेरे बेटे को। तो चलो दोस्तों आप लोग भी चलो मेरे साथ एंजॉय करो, दीघा का नाइट हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय करो और मैं भी एंजॉय करूंगी, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं एंजॉय करूंगी सी बीच में, रात का सीन है ना, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ। बारिश हल्का फुल्का हो रहा है तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों उतरे तो थे मज़ा करने के लिए बट मज़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, देख सकते हो वीडियो में कैद है। और यहाँ पे है हर तरह का मछली जो आप खाना चाहो, यहाँ पे फिश फ्राई कर रहे हैं और खा रहे हैं लोग, लेकिन बहुत बैड स्मेल है दोस्तों, लेकिन मैं नहीं खा पाई। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा मोड़ा शॉपिंग करेंगे घर निकल जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, हर किसी के हाथ में छाता पॉलीथीन है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बैग के दुकान में, थोड़ा सा बैग कुछ लूँगी गिफ्ट आइटम में या फिर खुद के लिए, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दूसरे वाले ब्लॉग में, फिलहाल मैं अभी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी हम लोग बाजार बाजार करके आ गए एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, रेस्टोरेंट का ऑर्डर अभी हम लोग का ले लिया गया। अच्छा ये नया रोबोट गाड़ी खरीदा है, ले सकते हो, अच्छा पसंद आया, इसको गीला है मत पहन। ऑर्डर में हम लोग का है 3 बिरयानी, 2 रोटी तड़का और बेटे का है 1 चाउमीन। तो ये है बेटे का डिनर, ये है हमारा बिरयानी हमारा, रोटी हमारे हस्बैंड का है ना, रोटी खा गए ना। तो फिलहाल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, एंजॉयमेंट में थोड़ा सा किकड़ा हो गया मजा हमारा, क्योंकि बारिश होने की वजह से हम लोग बाहर अच्छे से नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, बाल पूरा गीला हो गया है, बहुत मतलब क्या बताऊँ, लग रहा है कि ये बारिश का दिन है, बाहर देख के लग रहा है कि बारिश का दिन है। तो जो भी हम लोग थोड़ा मोड़ा एंजॉय किए, थोड़ा मोड़ा आप लोगों के साथ मैं शेयर की, तो आज का अनुभव थोड़ा बहुत अच्छा भी था, थोड़ा बहुत बुरा भी था, बुरा इसलिए क्योंकि बारिश अचानक हो गया। तो फिलहाल हम लोग डिनर करने के बाद सीधे रूम जाएंगे, क्योंकि रूम में 10:30 के बाद हम लोग को इन करना अलाउड नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करके रूम में चले जाएंगे। तो मिलूंगी आप लोगों से रूम में, तब तक के लिए बाय। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग रूम पे आ गए हैं डिनर करने के बाद, और डिनर में जो था वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दी थी। और जैसे कि अभी हम लोग रूम में आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए, बट मेकअप नहीं उतारी हूँ, मेकअप उतार ली, सबसे लगे बस लिपस्टिक हटाना है और बिंदी को हटाना है। और अभी हम लोग फिलहाल सोएंगे क्योंकि ऑलरेडी 11 बजने को है रात, तो दोस्तों मिलूंगी नए ब्लॉग में कुछ नए स्पेशलिटी के साथ, कुछ नए इंजॉयमेंट के साथ, बस बट बारिश रुक जाए, बस बारिश का बहुत ज्यादा टेंशन है दोस्तों, अगर बारिश ना रुके तो हम लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आज का वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। और मेरे हस्बैंड अभी मेरे बेटे को तेल लगाएंगे सरसों का, क्योंकि बहुत थक चुका है, बहुत उछला, बहुत कूदा पानी में आप लोगों ने जैसे कि देखा। तो दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, और बाय बोलना। बाय बाय। लंग।